हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और यह रीडिंग पूरी तरह से जनरल होगी, तो हो सकता है यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या बिल्कुल ना करे, पर आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यानी कि कुछ परसेंट रेजोनेट कर सकती है, एक्यूरेट कर सकती है, हो सकता है बिल्कुल ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, ओके। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक और बहुत ज़रूरी सूचना कि व्यूअर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ओके। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, फेक प्रोफाइल बना के आपको कोई कमेंट करता है और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स या व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैमर है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, ओके। चलिए आइए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। शफल कर लेते हैं पहले अच्छे से। ओके, चलिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाट वी हैव, ओ माय गॉड, अगेन फोर ऑफ कप्स। फोर की एनर्जी यहां पे डबल है, ठीक है, ओके। द हैंग्ड मैन, स्पिरिट प्लीज गाइड अस, ओके। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री विक्ट्री। खुश हैं आप, अच्छे लगे आपको कार्ड्स, ओके। एनर्जी ऑफ डेक, टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है, ओके। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपके को लेकर क्या सोच रहे हैं, या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि आपके पर्सन थोड़ा जेलस हो रहे हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है, या मैं कहूँ पजेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो आपका वक्त ले रहा है। यानी कि आप किसी और को अपना टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और के साथ बातें कर रहे हैं, कोई और है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, कोई और है जो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, यू नो। यह ऐसा हो सकता है कि आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा है तो आपके पर्सन को ये पता लगा है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी सिचुएशन से उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, या बहुत सारी बातें अज्यूम कर ली हैं कि नहीं ऐसा ही है, तो वो बहुत ज़्यादा पजेसिव और जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि आप उनका टाइम किसी और को दे रहे हो, यानी कि उनको रिप्लेस कर रहे हो, आपके पर्सन की जगह आप किसी और को दे रहे हो, क्योंकि आप किसी और को टाइम ना दो, किसी और को अटेंशन ना दो, किसी और के साथ हैंग आउट ना करो, यू नो। तो ये बहुत जेलस हो रहे हैं। अगर आपसे नई नई किसी की फ्रेंडशिप भी हुई है, कोई नया नया आपकी लाइफ में आया भी है, या कोई नया ना हो लेकिन कोई ऐसा हो जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, बातें करना शुरू किया है, यू नो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। उन्हें ये डर है कि कोई आपको इनसे दूर ले जा रहा है, चाहे आप लोगों में नो कांटेक्ट रहे, चाहे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या कितना भी गैप है, जो भी डिस्टेंस है आप लोगों में, ठीक है, लेकिन इस बात का इनको डर है कि अब इनको कोई रिप्लेस कर रहा है, ओके। यानी कि आप इनकी जगह किसी और को दे रहे हैं, इस बात का इन्हें डर है। ये सोचते हैं कि चाहे बात ना हो, चाहे हम में लड़ाई रहे, चाहे नाराज़गी रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और में अपना ध्यान लगाओ, या किसी और में इंटरेस्ट दिखाओ, या कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाए तो आप भी, यू नो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो उस बात से बहुत जेलस है कि हमारे बीच जो होता है वो होता रहे, लेकिन आप किसी और को ये टाइम ना दे। फोर ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर है। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि अब समय ऐसा आ गया है, या वक्त ऐसा आ गया है कि कोई तीसरा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है या कर सकता है। तो वो काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे निग्लेक्टेड, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, या यू नो रिजेक्ट किया जा रहा है, या अवॉइड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो ये फील कर रहे हैं, चाहे आप ऐसा कर ना रहे हों, ओके, यह आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा कर ही रहे हैं,
किसी बात से इन्होंने कहीं सुन के ये मन बनाया है, या इन्होंने सिर्फ अज्यूम किया है यानी अनुमान ही लगाया है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। यह भी हो सकता है कि ये बात सच भी हो। ओके, तो ये अलग अलग लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आप लोगों से मैच करेगा। तो ये एक रिजेक्शन जैसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई रिजेक्ट कर रहा हो। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते आपको कोई और देखे भी, आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करे और कोई आपके करीब आए, उन्हें नहीं पसंद है, वो बहुत जेलस हो रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेंड बनके भी ज़्यादा फ्रैंक होंगे किसी के साथ, या कोई आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक होगा, ये भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट ये नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड या अवॉइडेड या रिजेक्टेड सा महसूस कर रहे हैं कि उनको तो इस तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, जैसे अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं, चाहे ऐसा ना भी हो। ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है अब ये गहरे सोच विचार करने में लग गए हैं, डीप थिंकिंग करने में, या मैं कहूँ ओवर थिंकिंग करने में लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, हर तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, कहीं आपका भी इंटरेस्ट तो नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है, या दूसरे पर्सन का इंटेंशन क्या है, या अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन में अपना सोच विचार करने में लगे हुए हैं कि क्या करें। तो जब ये हैंगमैन का कार्ड आया है, ओके, तभी ये कार्ड आया है क्योंकि ये अब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या करें। ओके, हैंगमैन बताता भी है कोई डीप थिंकिंग कर रहा है अपनी ही कॉन्स्टेंट सिचुएशन में, यानी कि एक सिचुएशन जो जिसमें वो स्टक है, या वही रुके हुए हैं, कोई कुछ आगे कर नहीं रहे हैं, या आगे करना क्या है इसके लिए सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन है ये उस पर गहरा विचार कर रहे हैं कि ये करें क्या, इनके बस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया इस सिचुएशन ने इनको। अब चाहे ये सिचुएशन रियल है या इनके दिमाग में खुद की क्रिएट की हुई है, इल्यूजन क्रिएट हो गया है बस, बट ये अब गहरे विचार में डूब गए हैं ऐसा लगता है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस थिंकिंग ही थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, डीप थॉट्स, यस, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये अब ऐसा सोच रहे हैं कि ये वापस आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये जेलस और पजेसिव होने का नतीजा है कि वो इतना पजेसिव फील कर रहे हैं कि वापस उन्हें आप पर अपना हक जताना है, वापस वो ये एक्सप्रेस करना चाहती हैं या चाहते हैं कि आप उनके ही हो। ओके, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, या आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, या आपसे ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, ये उसको यही दिखाना चाहते हैं कि आप इनके ही हो और आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। चाहे आपको आपका ट्रस्ट जीतें वापस, या आपका दिल जीतना चाहें, आपको वापस इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज करें, लेकिन विक्ट्री, ये वापस जीत चाहते हैं आप पे, जो आपके कनेक्शन में जो भी मतभेद हुआ था, या जो भी इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस भी प्रकार का इशू था, अब ये वापस आप पर जीत पाना चाहते हैं। ओके, दे जस्ट वॉन्ट विक्ट्री, क्योंकि वो ऐसे किसी और पर्सन के साथ अपने आप को रिप्लेस होता हुआ नहीं देख सकते, और ये भी नहीं देख सकते कि आपको उनकी आंखों के आगे या कोई और अपना बना ले, वो ये भी नहीं देख सकते। तो वो बहुत जेलस हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इन्हें इतना प्रवोक किया है, इतना सोचने पर मजबूर किया है कि ये आपके दिल को जीत लें वापस, और कहीं ना कहीं जो इनका है उसको क्लेम करें, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है पजेसिव, जेलेसी, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है। तो व्यूअर्स, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा इन्हें चिढ़ाने के लिए भी ये कर रहे थे, तो अगर आप इन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स वर्किंग, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स आप सब ऐसा नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर है ये कि इस तरीके के विचार इनके मन में आ रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि कोई तीसरा बीच में ना आ जाए। यस, हो सकता है ये अपना फैशन सेंस या ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की कोशिश करें आपको इम्प्रेस करने के लिए। आपने नोटिस किया हो कुछ बदलाव इनके तौर तरीकों में, लाइफस्टाइल में, या ड्रेसिंग सेंस में, फैशन में, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने जिम जाना या एक्सरसाइज करना शुरू किया हो, कुछ डिफरेंट करने लगे हों ताकि ये
आपको आपका ध्यान वापस आकर्षित करें, कुछ ऐसा करें जो आपका अटेंशन लेकर आता है इन तक, यानी कि आप अपना अटेंशन इन्हें दें, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, टेन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं व्यूअर्स की इसी बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और इनका माइंड बहुत बर्डन फील कर रहा है, यानी कि इन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई और इनकी जगह ले लेगा, और ऐसे विचार इनके ऊपर बरस रहे हैं, यानी कि एक प्रेशर की तरह इनके दिमाग पर ये बात लग रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें, बर्डन महसूस कर रहे हैं, ये एक इमोशनल बर्डन फील कर रहे हैं जो अब इनको लग रहा है कि इन्हें कैसे भी करके आपका दिल वापस जीतना चाहिए। मुझे ये लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ये किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप दोनों में से कोई टीचर हो या टीचर रह चुका हो, क्योंकि आपके पर्सन मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन नज़र आते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो एजुकेटेड भी काफ़ी हो सकते हैं। अगर एजुकेशन की बात नहीं है तो इन्हें दुनियादारी का नॉलेज बहुत होगा, एक्सपीरियंस बहुत होगा, समझ बहुत होगी कि पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की, इन्वायरमेंट की, ज्योग्राफी, किसी किसी क्षेत्र में बहुत नॉलेज भी हो सकती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीचर या कोई अच्छी पोस्ट पर भी हो सकते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो भी काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है, काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट है, ये भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये अगर आप इनसे दूर हो जाते हो या आपको कोई और ले जाता है तो ये उसमें अपनी डिसरिस्पेक्ट समझते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था या आपसे बातें छिपाई थी, शुरू में आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या अब तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन तो हुआ है कि इन्हें आपको आके क्लैरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि आपके आगे जो भी ट्रुथ है, जो भी इनके रियल इंटेंशंस हैं, या जो भी जैसा ये फील करते हैं, जो भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, छुपा लेते थे, अंडर द कार्पेट रखते थे, अब वो सब चीज़ें सच सच इन्हें आपके आगे एक्सप्लेन करनी होंगी। आपको सब कुछ सच सच बताना होगा, अब इन्हें इस चीज का रियलाइजेशन है, अगर ये आपको वापस पाना चाहते हैं तो ये तो इन्हें करना होगा, ऐसा सोचते हैं। व्यूअर्स, इन्होंने ये एट ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है, इन्होंने बहुत कोशिश की है, कई बार इन्होंने ट्राई किया है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन मैसेज लिखकर इरेज कर देते होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और फिर सेंड नहीं किया। ये कॉल करने वाले थे लेकिन डायल करते ही वापस से कॉल कट कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्रयास तो बहुत किया है, काफ़ी अटेम्प्ट्स लिए हैं कि वो आपसे बात करने का प्रयास करें, लेकिन एट दी एंड इनका माइंड स्विच करता है और ये फिर वो चीज़ नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन चाहते बहुत हैं, इनकी दिली इच्छा है कि आपसे इनकी कैसे भी बात हो जाए और एक डीप लेवल पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो जाए, लेकिन फिर करते करते, डिसाइड करते करते ये कार्ड रिवर्स में हो जाता है, यानी कि ये ट्राई करते करते भी रुक जाते हैं। क्योंकि एट ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है, तो इन्होंने कई बार ट्राई तो किया है और हो सकता है अब भी ये कई बार कोशिश करते हैं कि ये आपसे बात करें, लेकिन फिर ये कोशिश करते करते रुक जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि इन्हें इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि इन्हें कोई डिसीजन लेना होगा, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई स्ट्रांग सॉलिड डिसीजन, कोई स्ट्रांग सॉलिड ऑफर, कोई कुछ ऐसा इन्हें करना होगा जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आपका ट्रस्ट रिगेन करे, जो आपको भरोसा दिलाए, कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा, ये सोच रहे हैं ऐसा समवेयर। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपसे बात करने का सोचा, ट्राई किया लेकिन रुक गए, क्योंकि इनको अभी दिमाग में ये सोचना है कि अगर आप सब कुछ पूछेंगे या आपको सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे ये आपको, या फिर सब कुछ ट्रुथ रिवील करेंगे आपके आगे, तो इन्हें क्या क्या बोलना पड़ेगा, आप क्या क्या पूछ सकते हैं, तो इनके पास हर बात का जवाब होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बात छुपा रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले अपने आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अब कल को मुझसे कोई पूछे तो मैं सब बातों का जवाब दे पाऊं, या मुझे क्लैरिटी हो, मैं बात करूं तो किसी को ये ना लगे कि इसे खुद को, खुद तो कुछ पता नहीं है अभी, ये हमें क्यों सच बताने आए हैं या क्लैरिटी देने आए हैं, पहले अपना मन बनाइए आप। तो ऐसा नहीं चाहते ये कि ये पहले आपसे बात करने की कोशिश करें, फिर आप कुछ बातें पूछें, कुछ आप क्लैरिफाई करना चाहें, कुछ जानना चाहें, और फिर ये चुप हो जाएं या सर खुजाने लगें, बस कंफ्यूज सा बिहेव करें, तो वो आप नहीं चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये जितनी बार भी ट्राई करते हैं ये रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको
आपको एक्सप्लेनेशंस देने हैं तो सही देने हैं, इन्हें अगर आपको कोई वादा करना है तो सच सच्चा करना है, ओके, या कोई कमिटमेंट देना है तो रियल देना है। तो इसीलिए जो भी आपके आगे एक्सप्रेस करेंगे या बताएंगे तो ये चाहते हैं कि उसके लिए प्रिपेयर रहें, सच सच सही सही बताने के लिए, ओके। हो सकता है व्यूवर्स आपका बर्थ मंथ या इनका बर्थ मंथ मे हो, मे, अक्टूबर, जून, ओके, जून एंड अगस्त, अप्रैल, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, ओके, जनवरी एंड नवंबर, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपका और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, ओके, 10, 20, 30, 6, 16, 26, 5, 5, 25, 15, 1, 11, 31, 31, 21, 8, 18, 28, ओके, 4, 24, 14। तो ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये बर्थ मंथ और ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों से मैच कर सकती है, ओके, नो वरीज अबाउट इट, ओके। चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। आपके और इनके नाम में ए हो सकता है, वी हो सकता है, एच भी हो सकता है, आर, ये कुछ अक्षर तो मुझे अभी तक लग रहे हैं कि आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। चलिए आगे और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या मैसेज आता है, अच्छे से पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। टर्निंग इन, तो व्यूअर्स यहाँ पर पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं तो आप ध्यान लगाना शुरू कीजिए, यानी कि सवालों के जवाब बाहर मत खोजिए, अपने अंदर खोजिए, यू नो, कभी कभी ऐसा बोलते हैं जिसको मैं दुनिया भर में अपने आप को तलाश रही थी या तलाश रहा था लेकिन मैंने खुद को खुद में ही पाया है। तो यानी कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के जवाब के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आप किसी बात से हर्ट हैं, किसी बात से आप दुखी बहुत हैं, जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन की वजह से मेरी हीलिंग हो सकती है, इसकी उसकी वजह से मेरी हीलिंग हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हीलिंग आप खुद करेंगे और आपको ध्यान लगाना, मेडिटेट करना स्टार्ट करना होगा और अपनी हीलिंग के रास्ते बाहर तलाशना बंद कीजिए, आप अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो हील योरसेल्फ, या ये कनेक्शन भी हील हो सकता है, ये भी मैसेज है, ठीक है, ये कनेक्शन भी हील होता हुआ नजर आता है। नथिंगनेस, तो व्यूअर्स किसी बात के लिए यहाँ पर ऐसा जवाब है कि कुछ नहीं है, या तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इसके लिए जवाब आया है कि ओवर थिंकिंग करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, नथिंग, ओके, या फिर आपके पर्सन जो इतनी कहानी बना रहे हैं अपने मन में, अज्यूम कर रहे हैं, एक भ्रम और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कोई और इनको रिप्लेस कर देगा, आप किसी और को अपना टाइम दे रहे हो, किसी और को अपना प्यार दे दोगे, तो वो भी एक इनका भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल में नहीं है लेकिन एक इल्यूजन के रूप में आपके जीवन में अभी भी बनी हुई हैं, ओके। सपोज मैं हर वक्त ये सोचती रहूं कि ऐसा है कि मेरे बारे में वो लोग ऐसा सोचते हैं और इसीलिए अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरा इल्यूजन है, मुझे नहीं पता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैंने ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट किया और उसी इल्यूजन के बेसिस पर, उसी भ्रम के बेसिस पर मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन भी ले लिया कि इसीलिए अब मैं ये काम नहीं करूंगी, इसीलिए अब मैं वैसा नहीं करूंगी। तो ये क्या हुआ, ये बात यही हुई कि कुछ ऐसा है जिसका रियल में कुछ मीनिंग नहीं है और रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचा भी जा रहा है, उस चीज़ के बारे में यू नो डिसीजन भी लिए जा रहे हैं और वो चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप लाइफ्स को अफेक्ट भी करती है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना या इल्यूजन क्रिएट करना या ऐसे दिमाग में इंस्टेंसेस को या ऐसी सिचुएशंस को दिमाग में काल्पनिक रूप में बनाना जो कि अभी है नहीं और होंगे भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर आप और वो अपने अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सोच में ही रख रहे हैं, यानी कि सिर्फ माइंड में है ये, तो माइंड में नहीं, अगर सिर्फ ये सब इल्यूजन में ही रहेगा
तो यहाँ पर मैसेज है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, कि आप इल्यूजन क्रिएट करते रहें और उसके अनुसार चलते रहें, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि क्या लेटर्स और हैं यहाँ पे। हो सकता है आपके या उनके नाम में W हो, F हो सकता है, कुछ लेटर्स तो मैंने पहले ही बताए थे, कुछ अक्षर आपको B हो सकता है, और N हो सकता है व्यूअर्स, और G हो सकता है। तो GNBFW ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रिलेटेबल रही होगी, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया होगा। अगर 1% भी गाइड किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। और हाँ, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। और रुकिए रुकिए रुकिए, जा कहाँ रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी सूचना कि व्यूअर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई रिप्लाई करता है ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, सेम प्रोफाइल फोटो कॉपी करके आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोई व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता है, तो ऐसे फ्रॉड्स और स्कैमर्स की बात पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये बात सबको क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, और हाँ, इस रीडिंग के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, एक्यूरेटली हुई है या सिर्फ कुछ परसेंट, और अगर बिल्कुल नहीं हुई है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई एम ओपन टू योर फीडबैक। ओके व्यूअर्स, और अपकमिंग रीडिंग्स के लिए सजेशंस भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।